साथियों, किसानों की आय बढ़ाने में पशुपालन और दूसरे व्यवसायों का भी बहुत बड़ा रोल है। पशुपालन हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो या मधुमक्खी का पालन हो, इन पर किया गया निवेश ज्यादा कमाई कराता है। इसके लिए बीते 5 वर्षों में कृषि से जुड़े दूसरे विकल्पों पर हम कई नए अप्रोच के साथ आगे बढ़े हैं। पशुधन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य से लेकर डेयरी प्रोडक्ट्स की वैरायटी को विस्तार देने के लिए जो भी जरूरी कदम थे वो उठाए गए हैं। दुधारू पशुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पहले राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया और इस वर्ष देश भर के पशुओं की उचित देखरेख के लिए कामधेनु आयोग बनाने का निर्णय हुआ। इसी नई अप्रोच का परिणाम है कि 5 साल के दौरान दूध उत्पादन में करीब 7% की वृद्धि हुई है। साथ ही किसानों पशुपालकों की आय में इससे करीब 13% की औसत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और मैं अपना एक अनुभव बताऊं, अफ्रीका में एक छोटा सा देश है रवांडा, मैं पिछले वर्ष वहां गया था और वहां यहां जो खबरें आई उसको लेकर कुछ लोगों ने तूफान भी खड़ा कर दिया था कि मोदी जी ने रवांडा में जाकर के 250 गाय बैंट करने का कार्यक्रम किया, लेकिन देश के सामने पूरी बात लाई नहीं गई। रवांडा जैसा देश, अफ्रीका का देश, वहां एक अद्भुत योजना चल रही है। वहां की सरकार रवांडा में गांव के अंदर गाय भेंट देते हैं लोगों को और फिर उनका जो पहली बछड़ी होती है वो नियम है कि वो सरकार वापस लेती है और जिसके पास गाय नहीं है उसको वो बछड़ी बेच दी जाती है। ये पूरा चेन चलता है और उनकी कोशिश है कि रवांडा के गांव में हर घर के पास गाय पशुपालन दूध उत्पादन और उसकी इकोनॉमी का आधार बने। बहुत ही बढ़िया ढंग से उन्होंने इसका प्लान किया हुआ है और मुझे भी रवांडा के गांव में जाने का मौका मिला, इस योजना का उद्घाटन करने का मौका मिला और वहां किस प्रकार से गांव के जीवन में पशुपालन और खास करके गाय के दूध के द्वारा रोजी रोटी कमाने का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया गया है, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कुछ लोगों के कान पर अगर होम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है और इसलिए हमारे भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में पशुधन बहुत मूल्यवान बात है। कोई कल्पना करे क्या पशुधन के बिना अर्थव्यवस्था चल सकती है? क्या गांव चल सकता है? क्या गांव का परिवार चल सकता है? क्या? लेकिन पता नहीं कुछ शब्द सुनते ही करंट लग जाता है कुछ लोगों को। साथियों, पशुधन को लेकर सरकार कितनी गंभीर है
इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार बनने के बाद 100 दिन में जो बड़े फैसले लिए गए उनमें से एक पशुओं के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। इस अभियान को विस्तार देते हुए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। साथियों, आप सभी ये भलीभांति जानते हैं कि पशुधन का बीमार होना कितना बड़ा झटका होता है। हमारे पशु बार बार बीमार न हो, उनके इलाज पर किसानों को बेवजह खर्च न करना पड़े, पशुपालक को खर्च न करना पड़े, इसी सोच के साथ आज 13,000 करोड़ रुपए के एक बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। एफएमडी यानी फूट एंड माउथ डिसीज, उससे मुक्ति। पूरा भारत इस बीमारी से पशुओं को मुक्त करें, इसका एक व्यापक अभियान हम आरंभ कर रहे हैं। एफएमडी यानी फुट टू माउथ डिसीज, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के गांवों में कुछ इलाकों में उसके लिए शब्द प्रयोग रहता है, मुंह पका। ये मुंह पका जो बीमारी है उसके उपाय, बीमारी से मुक्ति का ये अभियान है। और आप हैरान हो जाएंगे, दुनिया के कई देशों ने इस काम से अपने देश में अभियान चला करके पशुओं को इस बीमारी से मुक्ति दिला दी है। कई छोटे छोटे देश, गरीब देश, उन्होंने काम कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से इतनी सरकारें आकर के गई, इसको अभियान पर लिए बिना हम परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दुनिया के गरीब छोटे देश अगर पशु को मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, तो श्री कृष्ण की धरती पर तो कोई पशु ऐसी मुसीबत में जीना नहीं चाहिए। और इससे मुक्ति के लिए 51 करोड़ गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअरों को साल में 2 बार टीके लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिन पशुओं का टीकाकरण हो जाएगा उनको पशु आधार यानी यूनिक आईडी देकर कानों में टैग लगाया जाएगा। पशुओं को बाकायदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किया जाएगा। भाइयों और बहनों, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। हमारा पशुधन स्वस्थ रहे, पोषित रहे और पशुओं की नई और उत्तम नस्लों का विकास हो। इसी रास्ते पर चलते हुए हमारे पशुपालकों की आय भी बढ़ेगी, हमारे बच्चों को उचित मात्रा में दूध भी उपलब्ध होगा और दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में भारत की पहचान भी बनी रहेगी।